कलापम उच्चारित गृह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम सावन के महीने में हम कावर लेके बस ये पूजा का लास्ट दिन है जो जाप चल रहा था, अब जो इसके बाद हवन होगा, फिर महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक होगा। अभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो बस हम सोचे चलो आप लोगों के साथ ये वाला भी शेयर कर देते। ये उसी दिन का ब्लॉग है, शाम से रिकॉर्ड किए हैं। ये मौसी जल्दी हाय कर दीजिए। सबको मौसी हाय कर रही है। पानी का नहीं ली वो। तुम वाइपर ले आओ, तो कैसे पानी साफ कर दिया ना। और ये किचन का हम आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। किचन में उस टाइम बन रहा था खाना, क्योंकि जब हवन हो जाएगा तो उसके बाद पंडित जी जो भी जितने भी हैं उन सबका खाना रहेगा, तो बस खाना बना रही थी मम्मी और हम भी बना रहे थे खाना। हम और मम्मी दोनों लोग मिल के बना रहे थे, तो बहन बोली कि चलो थोड़ा सा किचन का भी ले लेते हैं, तो वो वीडियो बनाने लगी किचन में। और ये देखिए मेरी पनीर की सब्ज़ी बन रही है, और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी पनीर की सब्जी मेरी। प्लेट, एक कप चाय और गिलास और सबसे मिठाई का डिब्बा सब रखा हुआ है। और इधर ये आटा लगा रही है, क्योंकि हवन होने के तुरंत बाद ही उन लोग खाना खाएंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा, तो इसलिए सारे चीज़ जो भी बनने थे सब पहले से जो है हम लोग बना लिए थे। उसके बाद जो है, क्योंकि हवन में भी सब लोग बैठ जाएंगे तो फिर कौन बनाएगा, इसीलिए जो भी था सब कुछ पहले से तैयारी हम लोग कर लिए थे, बस पूड़ी जो है बनाना रह गया था, तो वो बाद में बनेगी पूड़ी। और ये सब हो ही रहा था खाने की तैयारी, तब से जो है पंडित जी आ गए, जो भी थोड़ा बहुत बचा था उस पूजे में जाप में वो सब पूरा कंप्लीट कर देंगे। बस उधर का भी सारा काम जो है किचन का भी ख़त्म हो गया, खाना पीना सब कुछ बन चुका है, और बस पूड़ी रह गया है, तो जब इन लोग बैठेंगे तभी बनेगा, क्योंकि पूड़ी कचौड़ी ये सब तो गर्म गर्म ही अच्छा लगता है। और खाने का बहुत ज़्यादा हम नहीं ले पाए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, तो बस इसी तरीके से चलता रहा। हे कृष्ण पक्षे कृष्ण पक्षी अद्यात्रयोदश्यायाम शुभ पुण्य तिथौ चंद्रवासरानुगतायाम शुभ नक्षत्रे शुभ। ये हम लोग खटने के बाद इतना ज्यादा खट लिए कि ये पोजीशन हो गया, बैठे हैं शांति से। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसको आगे बढ़ाएं। कैसे जाएं? तुमको आना होगा, डिम डिम डम हुआ बजाना होगा, मेरे भोले बाबा तुम तो आना होगा, डिम डिम डम हुआ बजा और कई जगह हम जब वॉइस ओवर नहीं किए, क्योंकि इन लोग इतना अच्छा भजन गा रहे थे कि क्या ही कहे, तो हम सोचे आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं, आप लोग भी सुन लीजिए इनका भजन। गणपति को लाना होगा, माँ गौ
अक्षत बिल्व पत्र तुम्हें हम चढ़ाएंगे। गैया के दूधवा से तुम्हें नहलाएंगे। गैया के दूधवा से तुम्हें नहलाएंगे। गौरा संग गणपति गोला बाबा तुम पर हम चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। भक्तों का कष्ट मिटाना होगा। डिम डिम डमरुआ बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। डिम डिम डमरुआ बजाना होगा। तुम तो भोले दानी बाबा जग से निराला है। तुम तो भोले दानी बाबा जग से निराला है। हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला है। हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला है। ये पे चढ़ करके आना हो भोले बाबा तुमको आना होगा। डिम डिम डमरुआ बजाना होगा। जैसा भी रखोगे बाबा वैसा ही मंजूर है। जैसा ही रखोगे बाबा वैसा ही मंजूर है। जैसा भी रखोगे बाबा वैसा ही मंजूर है। जैसा ही रखोगे बाबा वैसा ही मंजूर है। तेरी दया तो बाबा पाना भी जरूर है। तेरी दया तो बाबा पाना भी जरूर है। बस करें, हो तो गया, बस करें। से लगा कर तुमको आना होगा। डिम डिम डमरुआ बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति बोलाना होगा। डिम डिम डमरुआ बजाना होगा। डिम डिम डमरुआ बजाना। और जब शंकर भगवान का स्नान इन लोग कराते हैं, पूरे श्रृंगार करते हैं, तो इसी तरीके से भजन गाते हैं और ये बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा था मेरा। उसके बाद पूरा पूजा ख़त्म हो जाता है। अब जो है हो रहा है हवन की तैयारी। हवन भी शुरू होने वाला है, तो बस आप लोग देखते रहेगा, ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। संकल्प केवल रहेगा दोनों के हाथों में। ये एक सिक्का उसमें संकल्प डाल दीजिए। बहुत
उच्चारत ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम द्वारा। हम बहुत ज्यादा वॉइस ओवर नहीं किए हैं क्योंकि ओरिजिनल की बात ही अलग रहती है, आप लोग भी देखेंगे आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, इसीलिए हम वॉइस ओवर नहीं किए। और ये देखिए बस हवन की लकड़ी जलने लगी है, अब सब लोग मिलके हवन करेंगे, हवन के बाद फिर खाना पीना होगा और उसके बाद ये शिवरात्रि के एक दिन पहले का है वीडियो। और शिवरात्रि में शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक होगा। और ये देखिए बाबू ये हवन करने नहीं आया था, उधर बाहर खेल रहा था, तो ये लेकर आए फिर भी भाग जा रहा था। तो बस अब पूजा का समापन हो जाएगा हवन के बाद, फिर रुद्राभिषेक बचेगा। हम लोग के यहाँ सभी लोग हवन करते हैं, घर में जितने लोग भी आए रहते हैं तो सब के सब हवन करते हैं। अभी जो है मम्मी पापा मेरे भाई और बड़े वाले भैया मेरे भाभी इन लोग हवन कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं हवन करने। सभी लोग हमारे यहाँ हवन करते हैं, एक साथ जगह नहीं हो पा रहा था तो फिर वन बाय वन मतलब जितने लोग भी आ रहे थे उतने लोग को हवन सबको करना रहता है। ये मतलब इतना अच्छा लग रहा था और हवन का धुआं पूरे घर में हो गया था। हम और मेरी बहन दोनों लोग इधर साइड में बैठ के वीडियो बना रहे थे, वो भी वीडियो बना रही थी, हम भी बना रहे थे। और यहाँ जो है पूजा मतलब हो रहा था, हवन हो रहा था। उसके बाद फिर हम लोग चले जाते, हम लोग भी हवन करते हैं लेकिन हम लोगों का नहीं आ पाता है क्योंकि हम लोग जल्दीबाजी में हवन करके फिर चले जाते हैं किचन में, क्योंकि हवन के बाद तुरंत ही जो है सबको खाना लगाना रहता है, इसीलिए हम लोगों का नहीं आया। अभी इन्हीं लोगों का आया है वीडियो में। और ये बाबू भी आ गया, इसको पकड़ के लाया गया है, एक बार ये फिर आएगा दोबारा भी फिर हवन करेगा। ये देखिए इतनी जल्दीबाजी में भाग जा रहा है खेलने के चक्कर में। उसके बाद आरती होने लगती है, सभी आरती करेंगे। आरती के बाद बस ख़त्म हो जाता है, फिर सब लोग पंडित जी का पैर छूते हैं, सबको प्रसाद दिया जाता है, पूजा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद खाना पीना होगा। और मेरे पापा ये आरती पूरे घर में जो है दिखाते हैं, भगवान जी के कमरे में भी और हर एक कमरे में, हॉल में, किचन में, हर जगह ये हम लोगों की आरती एक बार घुमाई जाती है। और उसके बाद अब हो जाता है ये खाना, तो बस सारे पंडित जी लोग ऐसे इस तरीके से बैठ कर के खाना खा रहे हैं, भैया भतीजा इन लोग जो है सब लोग मिल के खाना खिला रहे हैं। हम लोग किचन में थे, खाना बना रहे थे। हम लोगों को टाइम ही नहीं मिल रहा था कि बाहर आके कुछ करें, बाहर का काम ही नहीं लोग कर रहे थे, खिलाना पिलाना, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था। बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय।